हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल A to Z ऑनलाइन है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग प्रोफेशनल लोगो कैसे बना सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि आप लोगों को तो थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि कितना खतरनाक लोगो है। तो अगर जो इसी तरह का लोगो आप लोग भी अपने फ़ोन से बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहिएगा, तभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ दोस्तों, इस लोगो को बनाने के लिए आप लोगों को पिक्सल लैब ऐप की जरूरत पड़ेगा, जो आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएगा, और हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप को आप लोगों को ओपन कर देना है। इस ऐप को जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से जो न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन देख सकते हैं, इसको अभी आप लोगों को यहाँ से डिलीट कर देना है। इसको डिलीट कर देने के बाद यहाँ से आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से ये इमेज ले लेना है। इस इमेज का लिंक, हम जो भी इमेज इसमें यूज करेंगे, इस सब का लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको कुछ इस प्रकार से हल्का आप लोगों को बढ़ा देना है और कुछ यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से रिलेटिव पोजिशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको पूरा बीचों बीच इसको रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से प्लस पर क्लिक कर देना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से अभी हम इस इमेज का लिंक ले देते हैं। तो इसका भी लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको कुछ इस प्रकार से आप लोगों को हल्का बढ़ा देना है। बड़ा कर देने के बाद यहाँ से आपको रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करके पूरा बीचों बीच आप लोगों को कुछ इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से प्लस पर क्लिक कर देना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से जो आप लोगों को किंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि फ़ोटो, इसको आप लोगों को ले लेना है, और कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ से रखना है। यहाँ से आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा कर देना है, और पूरा अभी यहाँ से हम रख लेते हैं कुछ अच्छी तरीके से, आप लोग बढ़िया से रख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से पूरा बीचों बीच इसको रख देना है। बीचों बीच रख देने के बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो इसका साइज है सो कुछ इस प्रकार से बढ़ जाता है। इसको अभी हम यहीं पर रहने देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक कर देने के बाद अगर जो आप लोगों से इतना काम नहीं होगा तो डायरेक्ट हम इसका PNG दे दिए, इस ये पूरा बना बनाए आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप लोगों को इस ऑप्शन पे क्लिक करके इस तीनों को आप लोगों को आपस में मर्ज कर लेना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आप लोगों को एक आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों को इस पर डबल टैप कर देना है, और यहाँ से जिस भी चैनल नेम से आप लोग लिखना चाहते हैं वो लेटर यहाँ पे आप लोगों को टाइप कर लेना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं FS लिख लिए, यानी कि फिल्मी शहजाद नाम से हम बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद इसको कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेना है, और यहाँ से आप लोगों को फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें चले आना है, और यहाँ से आप लोगों को माई फ़ॉन्ट में आ जाने के बाद यहाँ से फास्ट हैंड फ़ॉन्ट, इस फ़ॉन्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आप लोगों को इसका जो कलर है वो आप लोगों को ब्लैक रहने देना है। ब्लैक ले लेने के बाद यहाँ से आपको फिर से टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप लोगों को इस पर डबल टाइप कर देना है, और यहाँ से जो हमारा पूरा नेम है वो यहाँ से अभी हम टाइप कर लेते हैं, में SHAHJAD। आप लोगों का जो भी चैनल नेम होगा वो आप लोग टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से दोनों तरफ स्पेस दे देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। दोनों तरफ स्पेस दे देने से आप लोग का जो राइटिंग होगा, यानी कि जो टाइपिंग, वो आपका कटेगा नहीं। उसके बाद आपको यहाँ से स्टाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको बोल्ड सेलेक्ट कर लेना है। बोल्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद इसका जो कलर है वो आप लोगों को वाइट ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ से कर्व का ऑप्शन देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद यहाँ से इसको जो साइज है ये आप लोगों को 30 ही रहने देना है। 30 रहने देने के बाद यहाँ से आपको इसको अभी सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपको इसको पूरा बीचों बीच अभी हम रख लेते हैं। बीचों बीच रख लेने के बाद यहाँ से इसको भी हम सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ से रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक कर देना है। इसको पूरा बीचों बीच रख लेने के बाद यहाँ से हम पोजीशन से इसको हल्का ऊपर बढ़ा देते हैं। बड़ा कर देने के बाद FS को भी यहाँ से हम हल्का ऊपर बढ़ा लिए। उसके बाद आपको यहाँ से पूरा बीचों बीच इसको भी रख देना है। बीचों बीच रख देने के बाद यहाँ से आपको
इस सब को आपस में मर्ज कर देना है। तो इस सब को आपस में मर्ज करने के लिए अभी हम इसको जो है सो हल्का कुछ इस इधर बढ़ा लेते हैं। यहाँ से आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों को इस ऑप्शन पे क्लिक करके इस तीनों को यहाँ से आप लोगों को आपस में मर्ज कर लेना है। आपस में मर्ज कर लेने के बाद यहाँ से आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग इरेज कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आपको इस पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल कर देने के बाद अभी जो इसका हथी है वो आप लोगों को टॉलरेंस आपको यहाँ से बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद यहाँ से आपको सेप्स का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना है और इसको आपको एकदम जीरो एकदम छोटा कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है, टो बैक पे आप लोगों को क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इस दोनों को आपस में मर्ज कर लेना है। ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आप लोगों को टेक्सचर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से इस पे क्लिक कर लेना है, इमेज पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से इस गोल्ड कलर को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल कर देने के बाद यहाँ से आप लोगों को शैडो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको इस पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। इसका जो कलर है वो आप लोगों को रेड रहने देना है। इसका जो ब्लर रेडियस है आपको जीरो कर देना है और जो ऑफसेट एक्स है आपको इसको टू कर लेना है और ऑफसेट वाई को भी आप लोगों को टू कर लेना है। टू कर लेने के बाद यहाँ से आपको प्लस पे क्लिक कर लेना है, फ्रॉम गैलरी पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है और ये बैकग्राउंड ले लेना है। इस बैकग्राउंड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद यहाँ से आप लोगों को टो बैक पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा लोगो है सो अभी हमारा बन चुका है। यहाँ से जो हमारा बैकग्राउंड है इसको अभी हम पूरा बीचों बीच रख लेते हैं। बीचों बीच रख लेने के बाद इसको अभी यहाँ से हम लॉक कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ से इसको भी पूरा बीचों बीच आप लोगों को रख लेना है और यहाँ से इसको सेव करने के लिए आप लोगों को यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। डिफ़ॉल्ट को आप लोगों को अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है, सेव टू गैलरी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा लोगो है सो सेव हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं ऐसे वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।